सोलर की बसाल पंचायत के देवली के शेर गांव में पानी की भारी किल्लत चल रही है। आलम ऐसा है कि बसाल वासी को करीब 15 दिनों से पीने का पानी नहीं मिल रहा है। आईपीएच विभाग द्वारा गांव वासी को रोज विभाग द्वारा आश्वासन मिल रहे थे, लेकिन पानी कब मिलेगा इसकी कोई जानकारी गाँव वासी को नहीं मिल रही थी। इसलिए आज भारी संख्या में गाँव वासी रोष व्यक्त करने खुद आईपीएच विभाग पहुँचे और अधिशासी अभियंता सुमित सूद को चेतावनी भी दी कि अगर जल्द पानी ना छोड़ा गया तो वह विभाग के बाहर उग्र प्रदर्शन करने के लिए मजबूर होंगे। गांव की महिलाओं ने रोष व्यक्त करते हुए कहा कि वह पिछले 15 दिनों से पानी को तरस रहे हैं, लेकिन विभाग उनकी कोई सुध नहीं ले रहा है। आज वे विभाग अधिकारी को शिकायत करने और चेतावनी देने आए हैं कि अगर उन्हें पानी नहीं मिलेगा तो वह विभाग के बाहर खाली बाल्टी और गंदे कपड़े लाकर अपना धरना प्रदर्शन करेंगे, जिसकी सारी जिम्मेवारी आईपीएच विभाग की होगी। आजकल हमारे गाँव में पानी की बहुत दिक्कत आ रही है, 10-12 दिन से तो पानी बिल्कुल नहीं आ रहा है। तो पानी वाले को फोन करते हैं, उनसे पूछते हैं तो बोल रहे हैं कि मतलब पानी की पाइपें फट चुकी है और पानी मोटर जल चुकी है, पानी नहीं आ रहा। तो फिर बाकी तो कोई साधन नहीं है, गांव में बौड़ियाँ होती थी, जल स्रोत होते थे, वो भी सारे सूख चुके हैं। बर्तन धोने के लिए पानी नहीं है, घर में कपड़े धोने के लिए पानी नहीं है। और आज हम यहाँ एप्लीकेशन देने आए थे सर ऑफिस में और अपनी पानी की समस्या को बताने आए थे। नहीं सर, एक्शन सर ने हमें बोला है कि आज रात को हम पानी की सप्लाई कर देंगे। सर हमारे गांव में बहुत पानी की बहुत बड़ी समस्या है, मतलब 15 दिन हो गए, 15 दिनों से पानी बिल्कुल भी नहीं है जो हमारे, और हमारे नेचुरल सोर्सेज भी नहीं है। कोई अदर सोर्स हो तो चलो कहीं से ले भी आए, अगर ये पानी नहीं आ रहा है तो हम कहीं और से भी ले आए। बावड़ियाँ भी सूख गई है, 50 रुपये ड्रम पानी का खरीदे हैं, पशुओं के लिए पानी नहीं है। चलो आदमी हम कहीं से 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर दूर से भी ले आएंगे, पर पशुओं को कहाँ ले जाए। सर अगर पानी नहीं आएगा तो हम सारे गांव वाले मिलके अपने सारे जो जितने भी बर्तन वगैरह है, कपड़े है, जो भी, हम सारे यहाँ पे बैठ जाएंगे आईपीएच ऑफिस या डीसी ऑफिस, जो हमारा जैसा भी बनेगा हम धरना देंगे, प्रदर्शन करेंगे, जितना भी बनेगा हम मतलब अपनी पूरी कोशिश करेंगे कि हमारे को ये चीज प्रोवाइड हुआ, कहाँ जाना हमने। वहीं जब इस बारे में आईपीएच विभाग के अधिशासी अभियंता सुमित सूद से बात की गई तो उन्होंने कहा कि पिछले कुछ दिनों से वहां मोटर खराब थी, जिसकी वजह से गाँव वासियों को पानी नहीं मिल पाया, लेकिन आज मोटर को ठीक करवा दिया गया है और जल्द ही गाँव वासियों को पानी उपलब्ध करवा दिया जाएगा। बसाल गाँव में वैसे तो गिरी से, गिरी पेयजल योजना से हम पानी दे रहे हैं, लेकिन कुछ बेल्ट है जो गिरी योजना से जुड़ी नहीं है। जैसे देवली की शेर गांव था, वहाँ पट्टी कोलिया स्कीम से पानी जाता है, जिसमें कि थोड़ी मोटर्स में दिक्कत आई थी, तो उसमें उसको रिपेयर कर दिया गया है मोटर्स को। आज शाम से उनको रेगुलर पानी दे दिया जाएगा।